हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। स्टूडेंट्स, टीचिंग ऑफ ग्रामर की क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए। एंड ये जिसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो वो ये लेसन को कंसीडर कर सकते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर इज एसोसिएटेड विथ। अगेन टीचिंग ग्रामर के तहत आज इस लेसन में हम लोग आफ्टर एमसीक्यूज कुछ इसके टाइप्स ऑफ ग्रामर भी टीचिंग के समझ लेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ टीचिंग ग्रामर के। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर इज एसोसिएटेड विद चॉम्स्की। आंसर इसका सी हो जाएगा, ये इस कॉन्सेप्ट को इन्हीं से रिलेटेड है, इन्होंने ही इसको लेकर जो है अपना रिसर्च प्रस्तुत किया था। तो एक तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ग्रामर नॉम चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। इंडक्टिव मैथड इन टीचिंग ग्रामर फोकस ऑन इंडक्टिव मैथड टाइप्स ऑफ टीचिंग ग्रामर में एक आता है, तो ये किस चीज़ पर फोकस करता है, द टीचर प्रेजेंट सर्टेन एग्जाम्पल बिफोर द स्टूडेंट्स एंड देन फ्रेम द रूल्स विद देयर हेल्प। देखिए, एक होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव में उदाहरण पहले दिए जाते हैं, सर्टेन एग्जाम्पल पहले प्रेजेंट्स, टीचर पहले एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है बाद में उसके रूल बता देता है। ओके, ये होता है उदाहरण इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव में पहले नियम और बाद में उसके उदाहरण। नॉर्मली डिडक्टिव मेथड से पढ़ाते हैं ग्रामर की, पहले बता दिया ये डिस एंड डिस टेंस है, उसका ये स्ट्रक्चर है, बाद में एक एग्जाम्पल दे के पढ़ाते हैं, वो हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू फंक्शनल ग्रामर, इनमें से कौन सा है जो फंक्शनल ग्रामर पे एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल है, ये यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा। तो ऑप्शन है इसका आंसर बी, डस नॉट ले डाउन एनी फॉर्मल रूल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये किसी फॉर्मल रूल और एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन के बारे में नहीं होता है फंक्शनल ग्रामर। द टीचिंग ऑफ ग्रामर शुड बी स्टार्टेड, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए ग्रामर को टीच करना, कि when people have acquired some command over the language, ठीक है, some command over the language हो जाए people की भाषा पे कुछ command, फिर ये जो है टीचिंग ग्रामर को स्टार्ट करना चाहिए। द टीचिंग ऑफ ग्रामर कैसी होनी चाहिए, तो ये आपको एक्यूरेसी लाती है चाइल्ड के एक्सप्रेशन में टीचिंग ऑफ ग्रामर से, ठीक है, ये इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, accuracy in child's expression। grammar provides what, so grammar provide kya provide karti hai, a sound base for erecting the mention of the english language। erecting means hota hai nirman karna, banana, mention ek tarah ka aadhar stambh language ka jab hum khada karte hain uske liye ye hota hai, sound base hota hai, theek hai, grammar jo provide karta hai us tarah se। which is not the correct statement, the teaching of grammar isme se kaun sa sahi nahi hai टीचिंग ऑफ ग्रामर के लिए, तो ये डस नॉट हेल्प स्टूडेंट, यही तो गलत है ना, ये जो सही नहीं है, स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं करता, बाकी तो करते हैं। बाकी देखिए ये बाकी करेक्ट है, हमें करेक्ट वाले भी ज़रूर से पढ़ लेना चाहिए। एनेबल स्टूडेंट्स टू प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर ले जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर, एंड गिव्स एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे एक इंसाइट अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है, तो ये आपका हेल्प नहीं करता, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सिस्टमेटिक एंड करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश कैन नॉट बी इम्पार्टेड थ्रू, एक जो करेक्ट नॉलेज है इंग्लिश की नहीं ले सकते, इनमें से कौन सी मेथड की बात चल रही है, तो देखिए द इनफॉर्मल मेथड के माध्यम से। इनफॉर्मल मेथड से आप जो है सिस्टमेटिक और करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश की नहीं सीख सकते हो, क्यों, क्योंकि इनफॉर्मल मेथड में इंग्लिश के यूसेज पे स्पीकिंग यूज़ करके, ठीक है, भाषा में बोल चाल करके इंग्लिश सीखने पर जोर दिया जाता है, तो एक सिस्टमेटिक वे नहीं हो पाता है इसमें। बाकी इंसिडेंशियल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में आप एक सिस्टमेटिक वे में सीख सकते हैं, ये सारे के सारे टीचिंग ऑफ ग्रामर के टाइप्स हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। द इंसिडेंशियल मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इज ऑल्सो कॉल्ड द कोरिलेशन मेथड या रेफरेंस मेथड, कैसे, देखिए इसके नाम में क्या है, इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट हो जाता है ना, घटना घट जाती है, अभी इंसिडेंट वे में ग्रामर सिखा रहे हैं, कैसे, प्रोज पढ़ा रहे हैं, कंटेंट पढ़ा रहे हैं, एसेज, चैप्टर, कहानियाँ, स्टोरीज, कुछ भी पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में जो पढ़ाया जाता है, और जब कुछ ऐसा कंटेंट आया बता दिया एक सेंटेंस में, इसमें ये टेंस है, इसमें ये ग्रामर है, इसमें ये लैंग्वेज का कंटेंट है, ये प्रोनंसिएशन है, ये प्रपोजिशन है, ये ग्रामर की चीज़ें उस कंटेंट पढ़ाते समय बता दो, स्पेशली ग्रामर पढ़ा रहे हैं नहीं,
ठीक है, तो इंसिडेंशली ग्रामर आपने टीच कर दिया को रिलेट करके, दैट इज़ वाई इसको को रिलेशन मैथड भी कहते हैं, रेफरेंस मैथड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इनफॉर्मल मैथड ग्रामर इज टॉट बाई यूसेज। ठीक है, फॉर्मल मैथड हो जाता है एक आपका इनफॉर्मल मैथड। इनफॉर्मल मैथड में आपके क्या हो जाता है कि को यूसेज के द्वारा पढ़ाते हैं कि जो पीपल होते हैं बाय यूसेज, यूज़ करके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को, इडियम्स, फ्रेजेस को बोलते समय, रीडिंग करते समय और राइटिंग करते समय यूज़ करें, तो उससे आप ग्रामर भी सीख जाएंगे। ओके, तो ये हो जाता है इनफॉर्मल मैथड। टीचिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज द रीडर इज़ नॉट फेमिलियर। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आ गया एक छोटा सा, कॉम्प्रीहेंड करके सीखना, टीचिंग कराना, तो उसमें क्या होता है कॉम्प्रीहेंशन में पैसेज होता है, उसके क्वेश्चंस के आंसर सर्च करके बताने होते हैं। कभी कभी वो डिफ़िकल्ट ये हो जाते हैं कि उसमें जो idiom phrases होते हैं स्टूडेंट्स उनके मीनिंग नहीं जानते, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इज़ नॉट फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ idiomatic phrases इन द पैसेज। ग्रामर शुड बी टॉट, ग्रामर कैसे पढ़ानी चाहिए, एज अ मीन्स टू अचीव गुड कमांड ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। केवल किसी एक स्किल पर कमांड के लिए नहीं कि केवल रीडिंग अच्छी हो जाए या स्पीकिंग अच्छी हो जाए, इन 4 LSRW सारे ही स्किल पर अच्छी कमांड के लिए ग्रामर टॉट की जानी चाहिए, टीच की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर वीकनेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड इज, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड की मेन वीकनेस क्या है, इट डज़ नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिड्रेशन टू ऑल द 4 language स्किल। कि ये चारों जो लैंग्वेज के स्किल हैं कौन कौन से हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, इट डज़ नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिड्रेशन टू ऑल 4 language स्किल, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये इन चारों पे कमांड प्रोवाइड नहीं करता है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड पेज अटेंशन टू प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन पे ये कम ही जोर देता है, बाकी ग्रामर सिखाएंगे, ट्रांसलेशन के वाइज सिखाएंगे, मदर टंग के थ्रू सिखाएंगे, प्रोनंसिएशन कैसा है इस पर थोड़ा कम जोर देते हैं। द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड पुट्स अ ट्रेमेंडस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरी, स्टूडेंट्स की मेमोरी पे ज़्यादा ये महत्व देते हैं, उसी की वजह से सिखाते हैं ग्रामर को ट्रांसलेट करके। ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड पुट्स अ ट्रेमेंडस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरी एंड द लैंग्वेज यू मोस्ट यूज इन द क्लासेस मदर टंग, मदर टंग का ज़्यादा यूज़ होता है इसमें। ठीक है, मदर टंग में उस शब्द को क्या कहते हैं, फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस तरह से ट्रांसलेट करके सिखाते हैं। और जो डायरेक्ट मैथड होती है पुट एम्फेसिस, जो महत्व देती है डायरेक्ट यूज़ ऑफ इंग्लिश इन मीनिंगफुल सिचुएशन, जो कि इंग्लिश के मीनिंगफुल सिचुएशन में डायरेक्ट यूज पर जोर देती है। व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ द डायरेक्ट मैथड, इसमें से विच वन, कौन सा एक डायरेक्ट कॉमन फीचर नहीं है डायरेक्ट मैथड का, सो द आंसर इज इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस। अब देखो, एम्फेसिस ऑन ओरल लैंग्वेज डायरेक्ट मैथड है, बोलते रहो, प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट इस तरह से सिखाते हैं। इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, स्पीच प्रैक्टिस पे बहुत जोर दिया जाता है। एंड एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ द न्यू लैंग्वेज का यूज़ इसमें किया जाता है, बिल्कुल जो सिखा रहे हैं वही। और रीडिंग प्रैक्टिस इतनी नहीं होती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा इसका। देखिए, मैथड ऑफ टीचिंग ग्रामर हम देख रहे हैं, मैथड ऑफ टीचिंग ग्रामर चार हैं, द ओल्ड मैथड जिसको ट्रेडिशनल मैथड भी कहते हैं या डिडक्टिव मैथड भी कहते हैं, नाम देख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है अदर मैथड, अदर मैथड क्या, इनके नाम क्या है, अदर नेम, ट्रेडिशनल मैथड को और क्या कहते हैं, डिडक्टिव मैथड, इसमें पहले नियम बताते हैं, और इसलिए ट्रेडिशनल मैथड है क्योंकि यही चली आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे नियम बताते हैं, फिर एक स्ट्रक्चर बताते हैं, फिर बाद में उदाहरण देते हैं, नियम पहले उदाहरण बाद में, डिडक्टिव। इनफॉर्मल मेथड, इनफॉर्मल मेथड में पीपल को जो है यूज़ कर कर किसी को, फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मल वे में यूज़ करो भाषा में अपने इंडियम फ्रेजेस, वर्ड बोलते में, लिखते में, है ना, ऐसे तो आप सीखो अपनी ग्रामर। और द इंसिडेंशियल मेथड या कोरिलेट करके पढ़ाना, पोइट्री, प्रोज, स्टोरी इंग्लिश में जो पढ़ा रहे हैं उसी में कोरिलेट करके बता दिया, भाई इसमें इस सेंटेंस में ये टेंस है, इसमें ये ग्रामर है, तो वो कोरिलेट करके आपने ग्रामर को टीच कर दिया। नंबर 4 है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड और सिंथेसिस मेथड, तो ये दोनों टुगेदर कंबाइंड होती हैं, और इसमें क्या होता है कि ये रिकमेंड होते हैं लैंग्वेज मास्टर के द्वारा, जो लैंग्वेज मास्टर है वो रिकमेंड करता है इसमें। ठीक है, और इसमें दोनों ही तरीके से सिखाया जाता है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर से अननोन, सिंपल से डिफ़िकल्ट की तरफ, इस तरह से इसमें सिखाया जाता है। फिर से मैं बता दूँ, इंडक्टिव और
इंडक्टिव में उदाहरण पहले दिए जाते हैं, डिडक्टिव में नियम पहले दिए जाते हैं, इस तरह से। तो ये आपकी चार मेथड हो गई और ये कुछ एम्स हैं टीचिंग ग्रामर के, जनरल एम्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये क्यों है। तो ये है एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, टू इनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। ये मेन तो ग्रामर इसलिए टीच करते हैं कि स्टूडेंट जो है अपना स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग लैंग्वेज पे करेक्टली उसको कर सके। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, टू अक्वायर अ प्रैक्टिकल कमांड ओवर द लैंग्वेज, टू मेक द स्टूडेंट फैमिलियर विद द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, टू डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड टूवर्ड्स द लैंग्वेज सो दैट स्टूडेंट में थिंक क्लियरली एंड करेक्टली। अकॉर्डिंग टू एच सी विडोसन, द बेस्ट वे टू इम्पोर्टिंग ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस इज थ्रू ग्राफिक स्किल, द एबिलिटी टू एक्सप्लेन वेरी क्लियरली विद डिटेल्स। तो ये बता रहे हैं ग्रामर कॉम्पिटेंस को ग्राफिकली स्किल्स के द्वारा भी सिखाया जा सकता है। एच जी विडोसन, और ग्रामर शुड बी टॉट एज अ मीन्स टू अचीव गुड कमांड ऑफ LSRW। मेन आपका यही रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे टीचिंग ग्रामर के, इसमें आपकी जो फोर मेथड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसके कुछ कॉमन से नॉर्मल क्वेश्चन जो आपकी आप अंडरस्टैंडिंग के बेस पर भी लगा सकते हैं। आज के इस लेसन में इतने ही पॉइंट्स स्टूडेंट्स। आज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।